वीडियो के अंदर हम लोग विंडो फंक्शन के बारे में बात करेंगे एंड जो भी चीजें हम लोग सीखेंगे वो माई सीक्वल के अंदर सीखने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ सिंटेक्स जो होंगे वो बाकी किसी जो आपके डीबीएमएस होते हैं उनसे डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम विंडो फंक्शन के बारे में देखते हैं। विंडो फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो आप एग्रीगेट के साथ में, रैंकिंग के साथ में या फिर किसी भी एनालिटिक फंक्शन के साथ में यूज करते हैं, और जब भी आप इसको यूज करेंगे किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ रोज के साथ में यूज करते हैं, और उन्हीं सेट ऑफ रोज को हम लोग विंडो बोलते हैं। तो जब आप किसी फंक्शन को किसी सेट ऑफ रोज के साथ यूज करते हो तो उसको हम लोग विंडो फंक्शन बोलते हैं, बिकॉज सेट ऑफ रोज को हम विंडो बोलते हैं। अब जब भी आपको विंडो फंक्शन क्रिएट करना होता है तो उसमें हम लोग ओवर क्लॉज यूज करते हैं। अगर आपका ओवर क्लॉज यूज किया गया है एग्रीगेट फंक्शन, रैंकिंग फंक्शन या एनालिटिक फंक्शन के साथ में, तो हम लोग कहते हैं कि हाँ ये विंडो फंक्शन है। अब विंडो फंक्शन नॉर्मल फंक्शन से डिफरेंट कैसे होता है? जैसे फॉर एन एग्जाम्पल एक एग्रीगेट फंक्शन की हम बात करते हैं जिसमें हमारा सम हो सकता है, एवरेज हो सकते हैं या फिर कोई अदर भी हो सकते हैं। अब जैसे हमारे पास 3 रोज हैं, उन रोज के अंदर कोई वैल्यू डली हुई है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है। अगर हमने एग्रीगेट फंक्शन यूज किया, फॉर एन एग्जाम्पल हमने सम यूज किया, तो उन तीनों रोज का जो रिजल्ट होगा वो किसी सिंगल वैल्यू में आने वाला है, मतलब एक सिंगल रो के अंदर आने वाला है। तो एग्रीगेट क्या करता है, जो आउटपुट होता है वो आपका एक सिंगल वैल्यू के फॉर्म में आता है। विंडो फंक्शन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। विंडो फंक्शन क्या करता है, अगर आपके कई सारे रोज में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है तो आप जब उस वैल्यू को आप यूज करोगे विंडो फंक्शन के साथ में, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो अलग अलग रोज में आता है। मतलब आप कह सकते हो कि रोज मेंटेन करते हैं अपनी सेपरेट आइडेंटिटीज को, एक सिंगल रोज के अंदर आता है, और यही कारण है कि इसको हम लोग विंडो फंक्शन बोलते हैं। तो ये डिफरेंस है, इंटरव्यूज में ये पूछे जाते हैं कि एग्रीगेट फंक्शन और विंडो फंक्शन में डिफरेंस क्या होते हैं। आगे चलते हैं, सिंटेक्स की अगर हम बात करें तो देखिए सिंटेक्स कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो इसमें सेलेक्ट स्टेटमेंट हम लोग देते हैं, फिर कॉलम नेम, और कॉलम नेम्स यस लगाया मैंने, आप कई सारे कॉलम्स यूज कर सकते हैं कॉमा लगा लगा के। इसके बाद हम लोग यहाँ पे फंक्शन यूज करते हैं, फंक्शन एंड पैरेंथेसिस। फंक्शन बेसिकली डिफाइन कर रहा है कि आप कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हो, वो एग्रीगेट है, रैंकिंग है या एनालिटिक है। तो ये FUN पैरेंथेसिस डिफाइन कर रहा है फंक्शन। इसके बाद हमारा ओवर क्लॉज है, ओवर क्लॉज में आपके ये विंडो फंक्शन को डिफाइन करता है। इसके पैरेंथेसिस के अंदर आप 3 चीजें यूज करते हो जो कि ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल क्लॉजेस होते हैं, जैसे पार्टीशन बाय हो गया, ऑर्डर बाय हो गए एंड रोज हो गए। रोज के साथ में आप रेंज भी यूज कर सकते हो, रोज और रेंज दोनों आप यूज कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस क्या वर्क करते हैं, कैसे काम करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग आगे एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। इसके बाद हम देते हैं फ्रॉम एंड देन टेबल नेम एंड देन सेमी कॉलम। तो ये बेसिक सिंटेक्स होता है जो हमें याद रखना है, सेलेक्ट, कॉलम नेम और कॉलम नेम्स, फंक्शन, ओवर एंड पैरेंथेसिस के अंदर आप पार्टीशन बाय, ऑर्डर बाय या रो और रेंज क्लॉज देते हैं, एंड देन पैरेंथेसिस के बाहर फ्रॉम, टेबल नेम। तो ये हमारा बेसिक सिंटेक्स होता है। आगे चलते हैं, अब हम कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बातें करेंगे। जैसे विंडो फंक्शन के अंदर कुछ डेफिनेशंस हैं जो अक्सर हमसे पूछे जाते हैं और आपको भी ये चीजें समझना है। जैसे विंडो फंक्शन क्या होता है, मैंने ऑलरेडी बताया कि जो भी नॉर्मल फंक्शन होते हैं अगर आप उसको पर्टिकुलर सेट ऑफ रोज के साथ यूज करते हैं जिनको हम विंडो बोलते हैं, तो हम उस फंक्शन को विंडो फंक्शन का नाम दे देते हैं। तो और इसके बाद अगर हम एक्सप्रेशन की बात करें, अब जैसे एक्सप्रेशन क्या होता है कि आप जिस कॉलम के अंदर आप विंडो फंक्शन लगाना चाह रहे हो तो उस कॉलम को हम लोग, उस कॉलम के नेम को हम लोग एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आप विंडो फंक्शन के साथ में यूज करें, क्योंकि कुछ ऐसे विंडो फंक्शन होते हैं जहां पर आप कोई भी कॉलम नेम नहीं यूज करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जहां पर आपको यूज करना होता है, वो आगे हम लोग एग्जांपल में देखेंगे। ओवर जो होता है ये सिग्निफाई करता है कि आप जो भी फंक्शन यूज कर रहे हैं वो एक विंडो फंक्शन है। पार्टीशन बाय आपके पर्टिकुलर रोज को डिवाइड करता है, पार्टीशन मतलब अलग अलग करता है, और वो कोई भी एक मतलब कैरेक्टर हो सकता है, बिहेवियर हो सकता है, तो वो वैल्यू के हिसाब से उनको अलग अलग करता है और उनको यूज करके भी आप विंडो फंक्शन लगा सकते हैं। ऑर्डर बाय, जैसे हमने ऑलरेडी ऑर्डर बाय के बारे में पढ़ा हुआ है कि ऑर्डर बाय क्या करते हैं कि ये आपके विंडो के अंदर यानी कि जो सेट ऑफ रोज है उनमें आप सॉर्टिंग कर सकते हैं, आइदर डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर, और ये ऑप्शनल होता है, ये जरूरी नहीं है कि आप इसको स्पेसिफाई करें। इसके बाद रोज होते हैं, रोज जो होते हैं जैसे आपने आपके पास जो विंडो होता है, जो भी आपका पार्टीशन होता है, उस पार्टीशन के अंदर आप लिमिट लगाना चाहते हो, आप चाहते हो कि नहीं मुझे केवल 2 ही रो रीड करना है या 2 ही रो का सम निकालना है, 2 ही रो का एवरेज निकालना है, तो हम लोग रोज का यूज करते हैं। और आप रेंज भी यूज करते हो, रेंज यूज करते हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं सारे के सारे जो कॉलम में होते हैं सारे के सारे कॉलम को यूज कर सकते हैं। तो इन सभी को आगे हम एग्जांपल में देखेंगे तो आप और भी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। चलते हैं, सबसे पहले हम विंडो फंक्शन के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। मुझसे एक इंटरव्यू में पूछा गया था एंड उस समय मैं बता नहीं पाया था कि विंडो फंक्शन कितने तरीके के होते हैं, हालांकि ऑफिशियली ऐसा कोई डिवीजन है नहीं,
बट अगर आप इसको हाई लेवल पर कैटेगराइज करना चाहते हैं तो तीन तरीके के विंडो फंक्शन होते हैं। एक होता है एग्रीगेट, जिसके अंदर हमारा सम फंक्शन, एवरेज जिसको हम एवीजी के नेम से जानते हैं, एवीजी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, काउंट हो गया, मीन हो गया, मैक्सिमम हो गया। सम क्या करता है, ये आपके सारी वैल्यू को ऐड करेगा। एवरेज जो होता है उनका एवरेज निकालते हैं, एवरेज आप निकाल सकते हो किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू का। काउंट जो होते हैं वो टोटल आपके वैल्यू के नंबर्स ऑफ डेटा को रिटर्न करता है। मीन जो होता है मिनिमम वैल्यू को रिटर्न करता है, एंड मैक्स जो होता है ये मैक्सिमम वैल्यू को रिटर्न करता है। रैंकिंग की अगर हम बात करें तो रैंकिंग में जैसे हमारे रो नंबर होते हैं, रैंक होते हैं, डेंस रैंक होते हैं और परसेंट रैंक होते हैं। इनके बारे में हम आगे एग्जाम्पल में देखने वाले हैं। एंड एनालिटिक को हम वैल्यू फंक्शन भी बोलते हैं, जिसमें लीड हो गया, लैग हो गया, फर्स्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू। अब ये जो मैंने लिखे हैं यहाँ पर, ये तीन चार पाँच केवल इतने ही फंक्शन नहीं होते, और भी होते हैं। इसके लिए आप MySQL के डॉक्यूमेंटेशन में जाके और भी डिटेल में इसके बारे में पढ़ सकते हैं। बट अब जो जनरल है, जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं इंटरव्यूज में आते हैं, वो यहाँ पर हमने कहीं ना कहीं देख लिया है। अब हम देखने वाले हैं इन सभी के एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा एग्रीगेट फंक्शन यूज करना है, तो इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो ये देखिए, मैंने सबसे पहले सेलेक्ट यूज किया, जो नॉर्मली हम लोग सेलेक्ट स्टेटमेंट देते हैं। इसके बाद मैंने न्यू आईडी कॉमा न्यू कैट, ये दो कॉलम मैंने ऑलरेडी कहीं ना कहीं पहले से टेबल क्रिएट किया, उसके अंदर दो कॉलम क्रिएट किए, एक हमारा न्यू आईडी के नेम से, एक मेरा न्यू कैट के नेम से। और इनके अंदर मैंने कुछ वैल्यूज, जैसे यहाँ पे आप वैल्यू दे सकते हो, न्यू आईडी के अंदर कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू है और न्यू कैटेगरी के अंदर कुछ अग्नि, धरती और वायु, इन तरीके से दो तीन टेक्स्ट वैल्यू डाले हुए हैं। अब इसके बाद मैंने कॉमा लगाकर सम फंक्शन यूज किया हुआ है। इसके अंदर मैंने न्यू आईडी यानी कि ये वाली जो कॉलम है इसको यहाँ पे एज अ पैरामीटर पास किया है। तो ये कहीं ना कहीं ये न्यू आईडी जो है ये मेरा एक्सप्रेशन हो गया और ये मेरा फंक्शन हो गया। फिर मैंने ओवर क्लॉज यूज किया, पैरेंथेसिस बनाया, पैरेंथेसिस के अंदर मैंने पार्टीशन बाय क्लॉज यूज किया है, पार्टीशन बाय विथ न्यू कैटेगरी, मतलब ये न्यू कैटेगरी का जो कॉलम है इनके इनके अंदर जो कॉमन जो डेटा होंगे उनको एक अलग अलग ऑर्डर में रख दिया जाए। जैसे अगर आप देखो, अग्नि को एक अलग ऑर्डर में रख दिया गया है, धरती को एक साथ साथ रख दिया गया है, वायु को इनके इकट्ठा रख दिया गया है। तो पार्टीशन बाय क्या करता है, उनको साथ साथ में रखते हैं। तो मैंने बेसिकली किया क्या, मैंने न्यू कैटेगरी को पहले ऑर्डर बाय पार्टीशन किया और उसके बाद मैंने सम कर दिया न्यू आईडी की वैल्यू को। तो उसको उस कॉलम का नाम मैंने टोटल रखा हुआ है, एज टोटल। तो टोटल के अंदर क्या किया, जैसे अगर हम ध्यान से देखें, अग्नि जो है ये एक पार्टीशन हो गया, तो इनमें 200 एंड 200 दोनों की वैल्यू को सम करेंगे तो 300 आ गया, और यहाँ पर भी हम 300 ही रखेंगे क्योंकि अग्नि ही कैटेगरी के अंदर हम लोग आ रहे हैं, पार्टीशन के अंदर आ रहे हैं। इसी तरीके से धरती की अगर हम बात करें तो 500 एंड 700, 1200 हो गया, तो 1200 पहले वाले धरती के साथ में भी रखा गया, दूसरे वाले में भी रखा गया। इसी तरीके से वायु की बात करें तो सारे वायु के आईडी को ऐड कर लिया गया तो 1000 आ गया, और तीनों ही वायु के साथ में 1000 रख दिया गया। यही काम हमने एवरेज के साथ में किया, तो मैंने एवीजी फंक्शन यूज किया, बाकी सब कुछ सेम रखा है और बस कॉलम का नाम मैंने एवरेज रख दिया। तो एक नया कॉलम क्रिएट हो रहा है एवरेज, तो इसने क्या किया, 100 और 200 का एवरेज निकाला तो 150 आ गया। फिर वही 150 आप दूसरे वाले अग्नि के साथ में भी रखोगे। इसी तरीके से इन दोनों का एवरेज निकाला मैंने तो 600 आ गया, तो दोनों ही धरती के साथ में हमने 600 रख दिया। इसी तरीके से इनका भी हमने एवरेज निकाला तो ये 333.33 आ गए, तो बाकियों के साथ भी हमने सेम टू सेम रखा। काउंट की अगर हम बात करें तो देखिए, अग्नि में टोटल कितने हैं, 200 एंड 200, तो दो मेरा यहाँ पे काउंट आ रहा है और इस वाले अग्नि में भी दो आएगा। धरती में भी आप देखो काउंट कितने आ रहे हैं, दो, तो दो यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया। वायु में तीन आ रहे हैं तो सभी के साथ तीन। तो अब अगर हम मिन की बात करें तो देखिए, मिन में आप थोड़ा सा डिफरेंट दिखोगे, तो अग्नि के केस में मिन क्या है, 100, तो दोनों ही केस में 100 आ गया। धरती के केस में मिन क्या है, 500, तो 500 आ गया। वायु के केस में मिनिमम क्या है, 200, तो 200 आ गया। सिमिलरली हम लोग मैक्सिमम के साथ में भी किए, तो मैक्सिमम नाम का कॉलम हमने क्रिएट किया, ये हमारा कॉलम क्रिएट हुआ, तो ये मेरा एक नया मैक्सिमम कॉलम क्रिएट हुआ। और ये सारे काम हम लोग किसमें कर रहे हैं, एक टेबल वन, इस टेबल वन के अंदर हमने ये दो कॉलम खुद से क्रिएट किया था। और ये ऑर्डर बाय मैंने यूज किया हुआ है न्यू कैटेगरी, जैसे कि ए वाला अग्नि पहले हो, धरती बाद में हो और वायु बाद में, मतलब ई टू जेड के फॉर्म में मैंने सॉर्टिंग किया हुआ है। अगर मैं नहीं यूज करूंगा ऑर्डर बाय, तो जैसे आपने इनपुट कराया था, जैसे आपने वैल्यू को इंसर्ट कराया था, उसी फॉर्मेट में ये पार्टीशन करेगा। तो ये ऑर्डर बाय मैंने इसलिए यूज किया हुआ है। सो अभी इसको हम लोग माई सीक्वल के अंदर प्रॉपर रन करके देखते हैं। सो मैंने ये माई सीक्वल ओपन किया हुआ है, मैंने एक डेटाबेस टेस्ट थ्री नेम से क्रिएट किया है यहाँ पर, और उनको यूज किया मैंने। फिर मैंने इसके अंदर टेबल एक क्रिएट किया हुआ है और उसके अंदर न्यू आईडी डाल दिया है। एंड ये चीजें मैंने बाद में एक और अल्टर टेबल यूज करके एक नया कॉलम न्यू कैट ऐड किया था। फिर मैंने स्टार्टिंग में ये ट्रंकेट करने के लिए होता है, ट्रंकेट बेसिकली केवल वैल्यू को डिलीट करता है, आपका जो डेटा होता है टेबल के अंदर, कॉलम के अंदर, उनको डिलीट करता है, बल्कि टेबल आपका वैसे का वैसे रहेगा।
और फिर मैंने कुछ वैल्यूज इंसर्ट किया था। अगर मैं इस टेबल को वापस से शो करके दिखाऊं तो देखिए ये इस तरीके से शो होगा। अब अगर हम पहला जो जो हमने अभी एग्जांपल देखा उसको मैं रन करूं तो देखिए क्या होगा। तो आप देखिए ये बिल्कुल मेरा आउटपुट आ रहा है, न्यू आईडी, न्यू कैटेगरी, टोटल में आप देखो 300 300 1200, एवरेज 150 150 600, तो ये मेरा आउटपुट आ गया है। अब हम लोग एक और एग्जांपल देखेंगे एग्रीगेट फंक्शन का, जिसमें हमने पार्टीशन बाय यूज नहीं किया है, मतलब हम कोई भी पार्टीशन नहीं कर रहे हैं, तो जो न्यू कैटेगरी के जो डेटा होंगे वो एक साथ नहीं होंगे। इसमें मैंने सब सब कुछ सेम टू सेम यूज किया है, बस मैंने यहाँ पर ऑर्डर बाय न्यू आईडी दिया हुआ है, मतलब न्यू आईडी को हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं। बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में होगा, तो आप देखिए छोटे वाले वैल्यू पहले आ रहे हैं और बाद में बड़े वाले वैल्यू आ रहे हैं। फिर मैंने यहाँ पे यूज किया रेंज बिटवीन अनबाउंडेड प्रिसीडिंग एंड अनबाउंडेड फॉलोइंग एज टोटल। तो ये रेंज बिटवीन अनबाउंडेड प्रिसीडिंग एंड अनबाउंडेड फॉलोइंग क्या करता है, ये आपके पूरे न्यू आईडी की जो वैल्यू है उन पूरे वैल्यू को लेकर सम निकालेगा। तो इन पूरे वैल्यू को लेकर, पूरे डेटा को लेकर हम सब निकालेंगे, तो 25 आ गया, और यही 25 हमने सब जगह डाल दिया। एवरेज के केस में भी मैंने यही रेंज बिटवीन अनबाउंडेड प्रिसीडिंग एंड अनबाउंडेड फॉलोइंग यूज किया है। तो सारे का वैल्यू ऐड करके उनको, उनका एवरेज हम निकालेंगे, डिवाइड कर देंगे टोटल 7 से, और फिर उसका एवरेज मेरे पास आ गया। तो सभी में आप देखो सेम वैल्यू है, काउंट के केस में भी काउंट मेरा 7 आ रहा है, सभी के साथ में रख दिया गया। मिनिमम वैल्यू टू, इन सब में मिनिमम वैल्यू क्या है 100, और इन सब में मैक्सिमम वैल्यू क्या है 700। तो इस तरीके से हम लोग विदाउट पार्टीशन बाय और रेंज बिटवीन अनबाउंडेड प्रिसीडिंग एंड अनबाउंडेड फॉलोइंग यूज करते हैं। अब यही चीज अगर हम माई सीक्वल के अंदर देखें, तो मैं अगर इसको रन करूँ तो अब देखिए मेरा आउटपुट आ रहा है। अब एक चीज और आपको समझना है रोज के बारे में, मैंने आपको बताया था रोज भी होते हैं जो लिमिट करने के लिए होते हैं। आप जो भी एग्रीगेट फंक्शन लगा रहे हो विंडो के अंदर, उनमें आप लिमिट लगा सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया रोज और फिर अनबाउंडेड प्रिसीडिंग प्रिसीडिंग, तो ये बेसिकली करता क्या है कि जो भी आपका रोज है उनकी पिछली वैल्यू को वो सारा लेगा, मतलब जित अनबाउंडेड मतलब सारे के सारे पिछली वैल्यू को। अगर मैं इसको रन करूँ तो देखिए क्या होने वाला है, ये देखिए। तो जैसे अगर मैं 100, मतलब ये फर्स्ट रो पर हूँ, तो फर्स्ट रो में तो मेरे पास कोई प्रीसीडिंग वैल्यू है ना, पीछे की वैल्यू कोई है ही नहीं, तो टोटल मेरा 100 आ गया। लेकिन अगर हम 200 अग्नि की बात करें, तो पीछे की वैल्यू 100 थी, तो 100 एंड 200 को ऐड करके हमने 300 ला दिया। फिर अगर मैं तीसरे वाले 200 रोज की बात करूँ, तो इसने सारे पीछे वाली वैल्यू को इस 200 के साथ में ऐड कर लिया, तो 500 आ गया। इसी तरीके से वायु के साथ में हमने सारी पीछे वाली वैल्यू को ऐड किया, तो 800 आ गया। तो रोज अनबाउंडेड प्रिसीडिंग क्या करते हैं, पिछली वैल्यू को लेते हैं। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर रोज बिटवीन यूज कर लिया, जैसे अगर मैं यहाँ पे बिटवीन वन प्रिसीडिंग एंड वन फॉलोइंग फॉलोइंग ये मैंने यूज किया हुआ है, तो ये क्या करेगा, एक पीछे की वैल्यू को लेगा और एक आगे की वैल्यू लेगा जो जिस रो पर आप रहोगे। अगर मैं इसको रन करूँ तो देखिए क्या होने वाला है। देखिए अगर हम पहले रो पे हैं 100 पर, तो पीछे की वैल्यू तो कोई है ही नहीं, आगे की वैल्यू है 200, तो 100 प्लस 200 300 आ गया। अगर मैं 200 रो की बात करूँ, सेकंड रो की बात करूँ, तो पीछे की वैल्यू 100 है, आगे की वैल्यू 200 है, और इन तीनों को ऐड करेंगे तो 500 आ गया। अगर मैंने यहाँ पे 1 की जगह 2 कर दिया, तो दो पिछली वैल्यू को लेंगे और दो आगे की वैल्यू को लेंगे। अगर मैं इसको रन करूँ तो देखिए ये चीजें आती है। तो आपको दो तीन चीजें ध्यान रखना है, एक होता है रोज अनबाउंडेड प्रिसीडिंग और एक होता है रोज बिटवीन टू बिटवीन वन प्रिसीडिंग एंड वन फॉलोइंग। तो इस तरीके से आप लिमिट लगा सकते हैं रोज में। अब अगर हम रैंकिंग फंक्शन के एग्जांपल को देखें, तो मैंने सेम टू सेम वही चीज किया है, बस यहाँ पे मैंने नंबर यूज किया और इसके अंदर हमने कोई भी पैरामीटर नहीं दिया, यानी कि कोई कॉलम नहीं दिया है। फिर मैंने ओवर यूज किया पैरेंथेसिस के अंदर ऑर्डर बाय न्यू आईडी, मतलब इसको हमने सॉर्ट कर दिया है असेंडिंग ऑर्डर में, और एक नया कॉलम बना है रो नंबर। तो रो नंबर क्या करता है, हर एक आईडी को, मतलब इस वाले जो वैल्यू है उन सभी को एक सीरियल नंबर दे देगा, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से एक नंबर दे देंगे। रैंक क्या करते हैं, रैंक ओवर ऑर्डर बाय न्यू आईडी एज रैंक। तो रैंक में अगर आप देखो, तो जो सेम आईडी होंगे उनको एक एक सिंगल रैंक दिया जाएगा। जैसे 100 वाले को 1 दे दिया गया, 200 वाले को 2 दे दिया गया, तीसरे वाले 200 को भी 2 दे दिया गया, लेकिन जब चौथा कोई नंबर आ रहा है, चौथा रो कोई आ रहा है, तो 3 को स्किप करके हम डायरेक्टली 4 को देंगे। फिर 500 आया तो 5 देंगे, सेम वैल्यू को सेम रैंक दिया जाएगा, लेकिन उसके अगली वैल्यू को स्किप कर दिया जाता है। तो और 700 पे 7 आ गया, तो 6 को हमने स्किप कर दिया। तो रैंक में आपको ध्यान देना है, सेम वैल्यू को सेम रैंक दिया जाता है एंड उसकी अगली वैल्यू को स्किप कर दिया जाता है। डेंस अंडरस्कोर रैंक क्या करता है कि ये सेम वैल्यू को सेम रैंक तो देता है, लेकिन अगली वैल्यू को स्किप नहीं करता है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो, जो ये 4 आ गया था, तो यहाँ पे 4 नहीं आया, यहाँ पे 3 आया, फिर हमने 500 को 4 दिया, यहाँ 4 दिया, फिर यहाँ पे 5 दे दिया। परसेंट रैंक की बात करें, तो परसेंट रैंक क्या करते हैं, जितने भी आपके रोज होंगे उनका एक पर्टिकुलर परसेंट निकाला जाएगा और सभी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, और जो सेम वैल्यू रहेंगे उनको सेम परसेंट दिया जाएगा। जैसे 100 को हमने 0 दिया, फिर 200 को 0.166 दे दिया गया, 200 को 0.166 क्योंकि सेम वैल्यू है, 300 को 0.5 दिया गया, 500
500 को 0.66 दिया गया और अगले 500 को भी सेम दिया गया, एंड 1 जो है वो लास्ट वाले को दिया गया। तो इस तरीके से रैंकिंग वर्क करते हैं। और जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यही पूछा जाता है कि रैंक और डेंस रैंक में डिफरेंस क्या होता है। तो रैंक जो होता है वो आपकी सेम वैल्यू को सेम रैंक देता है बट अगली वैल्यू को स्किप कर देता है, लेकिन डेंस जो होता है सेम वैल्यू को सेम रैंक तो देता है बट अगली वैल्यू को स्किप नहीं करता है। तो आपको ध्यान रखना है कौन कब डेंस रैंक यूज करना है, कब रैंक यूज करना है। अब अगर यही चीज अगर हम लोग यहाँ पे रन करके देखें क्वेरी को, तो ये देखिए मैंने क्वेरी को रन किया तो हमारे पास आउटपुट आ रहा है। अब बात करते हैं हम लोग एनालिटिक फंक्शन के बारे में। तो जैसे यहाँ पर हमने यूज किया फर्स्ट वैल्यू, पैरेंथेसिस के अंदर हमने न्यू आईडी जो कॉलम है उसको पास किया, फिर ओवर पैरेंथेसिस के अंदर मैंने ऑर्डर बाय न्यू आईडी, मतलब न्यू आईडी के बेसिस पर हमने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया, और एज करके एक नया कॉलम क्रिएट किया फर्स्ट वैल्यू। लास्ट वैल्यू के लिए न्यू आईडी ओवर पैरेंथेसिस के अंदर ऑर्डर बाय न्यू आईडी एज ए लास्ट वैल्यू। लीड के लिए लीड क्या करता है, लीड जो होता है आगे की वैल्यू को लेकर आता है, और लैग जो होता है पीछे के रोज की वैल्यू को लेकर आता है। तो अगर हम देखें फर्स्ट वैल्यू की अगर हम बात करें तो पूरे ही कॉलम में जो पहली वैल्यू होगी 100 है तो सब में 100 आ गया। लास्ट वैल्यू जो होता है सबसे लास्ट वैल्यू को लेकर आते हैं, बट ये हमें नॉर्मल ऑर्डर बाय में वर्क नहीं करता है। अभी आप देखोगे थोड़ा सा डिफरेंट आंसर आ रहा है, इसको हम लोग रेंज जो क्लॉज होता है वो यूज करके देखेंगे। लीड क्या कर रहा है, जैसे अगर आप देखो 100 वैल्यू था, इसकी नेक्स्ट वैल्यू क्या है, लीड क्या है, लीडिंग वैल्यू क्या है 200, तो यहाँ पे 200 आ गया, 200 की लीडिंग वैल्यू 200 है तो 200 आ गया। फिर इसकी अगली वैल्यू 300 है तो यहाँ 300 आ गया, 500 है तो 500 आ गया, तो अगली वैल्यू को लेकर आएंगे। लेकिन 700 की अगर हम बात करें तो 700 की कोई अगली वैल्यू नहीं है, तो इसलिए नल आ गया। लैग में क्या होता है, पीछे की वैल्यू आती है, तो 100 का कोई पिछला वैल्यू नहीं है कोई, तो ये नल आ गया। लेकिन 200 की पिछली वैल्यू 100 हो गई, फिर इस वाले 200 की वैल्यू 200 हो गई, तो ये पिछली वैल्यू को लेकर आता है। अगर मैं इसको रन करके देखूं तो देखिए कैसे आने वाला है। तो इसको अगर हम रन करें तो देखिए मेरा जो रिजल्ट है वो इस तरीके से आ रहा है। अब इसमें कुछ डिफरेंट कुछ चीजें और है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे एक वैल्यू आगे का नहीं लेना है, लीड नहीं करना है, मुझे दो वैल्यू लीड करना है, मतलब दो स्टेप आगे बढ़ना है, तो वो कैसे करेंगे, इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ यहाँ से। अब यहाँ पर जैसे जब हम कॉलम पास करते हैं कॉमा लगाकर हम टू दे देंगे, तो ये दो अगली वैल्यू को स्किप करेंगे, मतलब दो लीडिंग वैल्यू को लेकर आएंगे जो स्टेप वाइज करके। अगर मैं इसको लैग में भी कर दिया तो दो पिछली वैल्यू को हम लेकर आएंगे। अगर मैं इसको रन करूँ देखिए क्या होगा, तो आप देखिए यहाँ पे दो नल वैल्यू, क्योंकि 700 जो है इसके मतलब अगर आप ध्यान से देखो इस 500 का दूसरा कोई वैल्यू आई नहीं तो नल आ गया, 700 का दूसरा लीडिंग वैल्यू कोई है ही नहीं तो नल आ गया, लैग के केस में पीछे 100 का कोई दूसरा पिछला वैल्यू नहीं है तो नल आ गया, 200 का भी कोई दूसरा पिछला वैल्यू नहीं है तो नल आ गया, लेकिन इस 200 का पिछला वैल्यू 100 है, 300 का क्या है 200 है, 500 का क्या है 200 है। तो आपको ये समझना होगा अगर आप यहाँ कॉमा लगा के नंबर देते हैं तो वो उतनी वैल्यू स्टेप करता है, मतलब आगे बढ़ता है, तो बाय डिफॉल्ट 1 होता है, लेकिन अगर आप अपने से देना चाहते हो लीडिंग एंड लैग वैल्यू तो आप नंबर्स भी दे सकते हैं। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देने वाला हूँ, आप इसको सॉल्व करिएगा एंड मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके आंसर आए कि नहीं आए। तो आप एक टेबल क्रिएट करना, उसके अंदर न्यू आईडी नाम का कॉलम क्रिएट करिएगा, इनके अंदर वैल्यू जो मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं वो इंसर्ट करा लेना, फिर आपको इस तरीके से आउटपुट लेके आना है। न्यू आईडी एक नया कॉलम, लीड नाम का एक नया कॉलम जिसमें लास्ट में दो नल वैल्यू होंगे और लैग में दो नल वैल्यू होंगे, और आपको ये वैल्यू प्रिंट करना है। तो इसका आउटपुट आप निकालिएगा, मैंने ऑलरेडी एग्जाम्पल में बताया है, आप इसको खुद से करके देखिएगा। सो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी विंडो फंक्शन के बारे में, एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक पर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।